घर में अभी आजम जमाना का भी रीत है, देखिए मेरी दादी ही करती थी। क्या बोले? कितना वर्ष पुराना ये छोटी चाची यानी कि छोटी मम्मी। देखिए अब मेरा देवर इसे एक्सप्लेन करे किसका। इसे ढेंकी बोला जाता है हम लोग का इधर के भाषा में। और ये आज का नहीं है, ये हमारे पूर्वज जो तारनी तिवारी थे उनके टाइम से है। और ये लोग हम लोग ये पुश्तैनी खजाना की तरह संभाल के रखे हैं। मिक्सी के दौर में भी हम लोग आज भी इस चीज का यूज करते हैं। इसका यूज होता है चावल को गुंडी बनाने में, पुआ बनाने में, पुआ वुआ बनाने में, धुसका बनाने में, धुसका बनाने में, पतोड़ी भी। अरे इससे कुछ चीजों का काम आता है इसका। इसको पतोड़ी में भी डालने में काम आता है। पतोड़ी में भी डालने में काम आता है। पतोड़ी, हाँ, जिलेबी भी। और इसमें धान भी, आज धान कूटने की मशीन आधुनिक मशीन, चावल भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय में इसी के ऊपर मनुष्य निर्भर रहते थे और धान से जो चावल बनाया जाता था तो इसी से बनाया जाता था और अपना पेट पालते थे लोग, भात बनाते थे इसी से कूट के। ये मेरी सासू माँ और चाची का आजम जवाना का कहानी है। देखिए दोस्तों आप लोग को बताएं। मम्मी लोग अपने अभी मेरा घर में कुआं सास थी, उनके सास थी, उन सब से देखते हुए और देखकर सीखते हुए ये लोग भी उस चीज का सास के सास। देखिए कैसे चलता है ढेंकी हम लोग का।